अट्ट सील मार्ग यानी अट्ट कथा या जो अष्टांगिक मार्ग है या अष्टांगिक मार्ग है या एट फोल्ड पाथ या हम ये कहें अट्ट कथा यानी आठ की कहानी या जो घर घर कहानी सुनते थे सुनाते थे जिसको अष्टमी या आठवीं के नाम से पूरे भारत में प्रसिद्ध है यानी कि आठवीं और जो अष्टमी होती है वो इन्हीं कथाओं की होती है जब लगातार आठ दिन तक ये कथाएं चलती हैं। इसमें जो पांचवें दिन की कथा आती है कहानी आती है वो आती है सम्मा सती यानी चार आपने पहले जो इसके अंग हैं जो आठ अंगों का ये मार्ग है दुनिया का नोबल मार्ग यानी सबसे ज्यादा अच्छा और सबसे ज्यादा आदर्श जो रास्ता है किसी पाप मुक्त इंसान के होने का वो ये इसका पांचवा पड़ाव है पांचवा दिन है। पूरे पूरे दिन ये कहानी बताई जा सकती है हजारों इसके उदाहरण हैं और हजारों तरह से ये बताई जाती है आज भी चलती है लोग थोड़ा सा भूल गए हैं मगर कथाएं सुनते हैं कथाओं का कांड में नाम बदल दिया गया है। तो सम्मा सती यानी सम्यक सती या सम्यक जो राइट माइंडफुलनेस है ये बेसिकली है क्या क्योंकि इसको आप अगर देखेंगे ध्यान से तो आज के समय में सती का जो मतलब है वो स्मृति से यानी कि मेमोरी से बना दिया गया है मेमोरी को ही सती कहने लगे हैं मगर पुरानी भाषा में बुद्ध के समय या बुद्ध से पहले जो सती शब्द है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। सती का मतलब है जागृत रहना देखना आंखों के परे देखना यानी आंखों से तो आप देखते ही हैं आंखों के परे देखना और 365 दिन 24 घंटे विजिल यानी कि लगातार समझना जागृत रहना देखना सही तरीके से देखना यानी कि एक तो आप देख रहे हैं आंखों के परे गलत तरीके से देख सकते हैं कोई पाप मुक्त बात भी कर सकते हैं और एक सही देखना है जो पाप रहित हो जिसमें पाप ना हो वो सम्मा सती कहलाता है। दरअसल ये जो सम्मा सती है ये पूरे एट फोल्ड पाथ यानी जो अष्टांगिक या अष्टांगिक मार्ग है उसका सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव इसलिए है क्योंकि ये 24 घंटे आपको लगातार इसमें काम करना है। इसके बाद जो आता है वो समाधि आता है और ये समाधि का एक फील्ड आता है क्या सती। सती को अगर आप देखेंगे क्योंकि बुद्ध की जो सती है आज की जो स्मृति जिसको बोलते हैं कहते हैं मेमोरी यानी कि मेमोरी आपकी है मगर मेमोरी का उस समय से कोई लेना देना नहीं है। मेमोरी होता है याददाश्त और सती होता है जागृत रहना यानी किसी चीज को याद करना और जागृत रहना इसमें जमीन आसमान का अंतर है क्योंकि धम्म को खराब किया गया तो धम्म के जो शब्द हैं जो शब्द हैं जो वर्ड हैं उनके मीनिंग भी बदले गए तोड़े गए मरोड़े गए। सती पूरी दुनिया में पूरे भारत में आज भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज या वस्तु या जो कार्यक्रम है जो क्रिया है वो मानी जाती है और है और रहेगा। दरअसल लगातार बरोबर अगर आप पहचान सकते हैं कि जो क्रिया और जो कर्म हम कर रहे हैं वो कैसा कर्म है कैसा कर्म नहीं है तो आप फिर सम्यक सती में आ सकते हैं यानी कि एक असम्यक सती हो गई और एक सम्यक सती हो गई। असम्यक क्या हो गई जब आप पहचान ना पाए ना पाप को और ना ही पुण्य को पहचान पाए तो वो असम्यक हो गई। जागृत तो है मगर आपको ये अंदाजा नहीं है कि जो ये कर्म हो रहा है या क्रिया हो रही है ये पाप में है या पाप मुक्त है यानी ये अच्छा है या खराब है। मगर अगर आप सम्यक सती में हैं और 24 घंटे विजिल हैं तो फिर आप ये पहचान सकते हैं कि जो काम मैं कर रहा हूं या जो काम कोई कर रहा है या जो काम हो रहा है वो काम अच्छा है या नहीं है ये सम्यक सती होती है। बुद्ध के समय में जो ध्यान साधना में लोग बैठते हैं या ध्यान साधना में ना भी बैठे चलते रहते हैं या बैठे रहते हैं या सोते रहते हैं या कहीं आराम कर रहे होते हैं क्योंकि तो चार मुद्राएं होती हैं या तो खड़े होना या चलना या बैठना या सोना इन चारों अवस्थाओं में जो शरीर की क्रिया होती है उसमें 24 घंटे आदमी विजिल रहता है। कमाल की बात यह है कि सोते समय भी वो सपनों में भी जागृत रहता है कि सपना भी असम्यक या पाप वाला नहीं देख सकता देखेगा तो उसको दूर करना पड़ेगा। ये सम्यक सती होती है और सम्यक सती में कोई भी पाप कर्म शरीर के अंदर नहीं आना चाहिए। 24 घंटे आपको पहरेदारी रखनी पड़ती है कि ये पाप कर्म है और ये शरीर के अंदर आ रहा है
इसको रोका जाए और उसको रोकना होता है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आप समाधि में आगे प्रवेश नहीं कर पाएंगे, आगे फिर जागृत नहीं रहेंगे, तो आगे फिर आप किसी भी हालत में मुक्त अवस्था तक नहीं पहुंच पाएंगे। चार तरह की सतियां होती हैं, चार तरह की जो माइंडफुलनेस है यानी जागृति है वो चार प्रकार की मेन है। इसके आगे के और बहुत सारे पार्ट छोटे छोटे बारीक बारीक है, मगर चार जो मेन है वो है आनापाना सती। आनापाना सती में क्या करना होता है, आनापाना सती में जो आपका सांस है, आनापाना का मतलब है सांस का आना और जाना, आना और जाना, तो आना जाना आपको देखना है, इसकी जागृति रहनी है, इसमें विजिल रहना है, इसको बराबर देखना है, इसको महसूस करना है कि ये जो सांस आ रहा है और ये जा रहा है ये नेचुरल है या नहीं। इसकी पहचान कैसे है, इसकी पहचान ऐसे है कि अगर आपका सब कुछ ठीक है, आप कोई चोरी नहीं करते, कोई व्यभिचार नहीं करते, कोई कत्ल नहीं करते, कोई दंगा नहीं कराते, कोई फसाद नहीं कराते, कहीं कोई उल्टी सीधी खरीद फरोख्त नहीं करते, कहीं किसी का सामान नहीं चुराते, कहीं कोई शराब नशा नहीं पीते, कहीं किसी के बच्चों को बिगाड़ नहीं रहे हैं, कहीं कोई क्रिमिनल काम नहीं कर रहे हैं, कहीं कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं करा रहे हैं, कहीं कोई आपस में भाईचारा नहीं बिगाड़ रहे हैं, सबका ध्यान रख रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी सांस निरंतर एक स्पीड से चलती रहती है 24 घंटे, बिल्कुल शांत, बहुत शांत और बहुत बिना किसी खरखर के, बिना किसी परपर के, बिना किसी आवाज के, ना ऊपर होगी ना नीचे होगी। आप दौड़ेंगे भागेंगे काम करेंगे, ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, सांस ऊपर नीचे हो सकती है, मगर वो फिर सेटल हो जाएगी, फिर ठीक हो जाएगी। मगर अगर आप नुकसान करते हैं किसी का, कोई मन में बुरा विचार लेके आते हैं, कोई पाप वाला विचार लेके आते हैं, खाली विचार ही लेके आते हैं, करना तो बहुत बाद की बात है, तो आप देखेंगे कि आपकी जो सांस है वो अनियमित हो गई है, यानी कि वो अब रेगुलर नहीं रही है, इरेगुलर हो गई है, या तो तेज तेज चल रही है, या कम कम चल रही है, या कभी तेज कभी मद्दी, कभी मद्दी कभी तेज, कभी उखड़ रही है, कभी बिगड़ रही है, कभी कुछ हो रहा है। आपकी जो आना पाना सती है, आप हमेशा इसको का ध्यान रखेंगे, जब भी पाप कर्म के बारे में सोचेंगे तभी आपका जो आना पान सती है यानी कि जो आपका सांस है वो बिगड़ जाएगा। ये सती की पहचान है, तो 24 घंटे आपने देखना है कि आपका सांस ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है। जिन लोगों को हार्ट की बीमारी होती है, ब्लड प्रेशर होता है, या जिन लोगों को सांस की बीमारी होती है पॉल्यूशन की वजह से या किसी एक्सीडेंट की वजह से शरीर में हो जाए तो अलग बात है, मगर अगर आप स्वस्थ है जगह रह रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक है और फिर भी आपका सांस ऊपर नीचे है, तो आप अपने मन को देखिए, आपकी सती ठीक नहीं है, आपकी जो विजिल है यानी जो जागृति है वो ठीक नहीं है, आप कोई गलत काम कर रहे हैं। दूसरा आता है इसमें कायागत सती। कायानुगत सती क्या होता है, कायानुगत सती होता है जो शरीर है उसमें कैसी गति है उसको देखना, यानी कि जब भी आप कोई पाप कर्म करेंगे तो आपकी चाल तेज हो जाएगी, आपकी आवाज मद्दी पड़ जाएगी, आपकी नाक फूलनी शुरू हो जाएगी, आपकी आंखें टेढ़ी मेढ़ी होनी शुरू हो जाएंगी, आपकी पलकें तेज तेज झपकेंगी, धीरे धीरे झपकेंगी, आपके हाथ पैरों में कंपन हो सकता है, आपका ध्यान कहीं और हो सकता है, गर्दन आपकी टेढ़ी हो सकती है, आप अपने चेहरे को खुजाना शुरू कर सकते हैं। हजारों लक्षण हैं काया के, काया में विजिल के देखने के, कि जब भी आप मन में पाप लेके आएंगे आपके शरीर के अंदर कोई ना कोई लक्षण आ जाएगा, कहीं कुछ ना कुछ पूरे शरीर में हो रहा होगा। तो विपस्ना साधना करेंगे ना भी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि शरीर में कोई गड़बड़ हो रही है, ये कायानुगत सती होती है या कायागत सती होती है, जागृति होती है। आप अगर बिल्कुल ठीक हैं तो आपका शरीर बिल्कुल कूल रहेगा, जैसे सारे जानवरों का रहता है, सारे जानवर आराम से नेचुरल वे में रहते हैं और उनके शरीर हमेशा बिल्कुल स्थिर रहते हैं, सही रहते हैं। फिर आता है वेदनानुसती। वेदनानुसती क्या होता है, वेदनानुसती होता है वेदनाओं के अनुसार जागृत होना। अब वेदनाओं के अनुसार जागृत क्या है, दरअसल वेदनाएं जो होती हैं जब भी हम कोई काम करते हैं शरीर में, या कोई भी क्रिया या देखें या सुने या कुछ करें, तो हमारे शरीर में सेंसेशन होते हैं, उनको वेदनाएं बोलते हैं, उनको वेद बोलते हैं, इसी वेद के ज्ञान को वेद का ज्ञान बोलते हैं, और ये बुद्ध के समय में बहुत बड़ा हो गया था, इसलिए वेद का जो ज्ञान है बुद्ध को सबसे ज्यादा रहा है, वेदनाओं का ज्ञान। तो वेदनाओं का जो ज्ञान था यानी शरीर की वेदनाओं का, शरीर के संसेशन का, शरीर में जितनी भी हलचल हो रही है उसका जो ज्ञान है, उस ज्ञान की जागृति होना, देखना, ये तीसरे नंबर पर आता है। कैसे आता है, जैसे
चोरी पकड़ी गई किसी की, तो शरीर में पूरे में झंझनाहट हो गई और वेदनाएं बहुत ज्यादा आ गई, शरीर गर्म हो गया, कान गर्म हो गए, आंखें लाल हो गई, आवाज बंद हो गई, कांपना शुरू कर दिया, या कहीं कोई चोरी की और पुलिस का नाम आ गया तो हाथ तक कांपना शुरू हो गए, और कई का तो पेशाब भी निकल जाता है, टट्टी भी निकल जाती है डर की वजह से, वेदना इतनी ज्यादा तीव्र बढ़ जाती हैं। जैसे अचानक किसी डाकू चोर को देख लेते तो आवाज भी नहीं निकलती, यानी कि संवेदनाएं वेदनाएं बदल जाती हैं। तो ये वेदना नु जो सती है ये वहां आती है। और चौथी है इसमें धम्म के अनुसार, यानी कि धम्म के अनुसार जो सती है क्या है, धम्मानुसती, यानी धम्म के अनुसार सती। अब धम्म क्या है, धम्म है कोई भी जो पार्ट है, जो अपने जो उसका करैक्टर होता है, जो गुण होता है, उसके अनुसार कोई भी शरीर का द्रव्य या पार्ट जब बदलता है और वो लगातार बदलता रहता है, अणुओं में लगातार गतिशीलता होती है, वो लगातार बदलते रहते हैं, उनका गुण फिक्स होता है, उनका स्वभाव फिक्स होता है, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स फिक्स होता है, उसको देखना। जैसे आपने गर्म पानी पिया, तो गर्म पानी अगर आप पिएंगे तो शरीर में गर्मी लगती है, तो आप देखिए कि गर्म पानी का जो गुण है, धर्म है, वो कैसा है। आप ठंडा पिएंगे तो शरीर में कैसा महसूस होता है, अदरक का पानी पिएंगे तो कैसा महसूस होता है। और आप अगर सामने कोई क्रिया हो रही है और कोई अगर प्रतिक्रिया हो रही है या कोई एक्ट कर रहे हैं, तो उस एक्ट का देखिए शरीर पे क्या फर्क पड़ता है, कैसे उसके गुणधर्म काम करते हैं और कैसे आपके शरीर में एंटर करते हैं, ये धम्मानुसती है। तो धम्मानुसती सारी सतियां मिला के धम्मानुसती सबसे बड़ी होती है, क्योंकि ये नेचुरल आपको बहुत बारीक बारीक तरीके से बताती है कि धम्म के अनुसार, प्रकृति के अनुसार जो एक्ट हो रहा है उसके अनुसार शरीर के एक एक कणों की क्या कार्य करता है, क्या काम कर रहा है, और आपका सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, जो मन में भरा हुआ है वो कैसे काम कर रहा है धम्म के अनुसार, अपने गुण के अनुसार, अपने कैरेक्टर के अनुसार, तो वो धम्मानुसती हो गया। आपने जो जागृति है वो 365 दिन 24 घंटे और हर क्षण हर सेकंड सोते जागते इसमें रहना है। अगर आप इसमें ऐसा नहीं रहेंगे तो फिर ये फायदेमंद नहीं रहेगी, और आपको सम्यक में रहना है, यानी कि राइट जो माइंडफुलनेस है, राइट जो जागृति है उसको देखना है, रॉन्ग को नहीं देखना है, गलत को नहीं देखना है, गलत को दूर करना है। इसे जानना बहुत आसान होता है, खासतौर से जो विपसना साधना करते हैं उनके लिए। जो सती शब्द है वो आज भी बहुत ज्यादा फेमस है। आपने देखा होगा कि जो सती सावित्री हैं, यानी कि जो सावित्री, सावित्री की जो महिलाएं हैं जो सती की इस ऊंचाई तक जाती थी, उनको सती सावित्री बोलते थे। सारी महिलाएं जो इस ऊंचाई तक जानकारी हासिल करती थी विपसना साधना और धम्म के अनुसार, उनको सती बोलते थे, और सावित्री में सबसे ज्यादा थी, इसलिए सती सावित्री के नाम से प्रसिद्ध हो गई महिलाएं। बाद में सती को बहुत ज्यादा जब खराब किया गया तो उन महिलाओं को जिंदा जलाने का जो प्रोसेस है, जो कल्चर है, वो डेवलप की गई और उन सती महिलाओं को जलाया गया। बाद में जो महिलाएं थी, जो जिनके पति मर जाते थे, वो धम्म में चली जाती थी और वहां जाके सती तक पहुंचती थी, उनको भी सती के नाम से जलाने लगे और सती माता के मंदिर बनने लगे। दरअसल सती माता का मंदिर वो होता है जो महिला बहुत ज्यादा धम्म में आगे चली जाए और सती पठान तक, यानी सती प्रस्थान तक पहुंच जाए। सती पठान एक प्रोसेस होता है जो भगवान बुद्ध ने बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से बताया है, दो बार, महासती पठान और सती पठान सूत्र है, जिसके तहत में कोई व्यक्ति 7 दिन के अंदर भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है, लिबरेट हो सकता है, वो अपने सारे दुखों को जीते जी दूर कर सकता है केवल 7 दिन के अंदर। तो ऐसी बहुत सारी महिलाएं रही जो सती पठान में स्थापित हो गए, बहुत सारे लोग रहे, तो उनको सबको सती पठान में स्थापित होता हुआ बोला जाता था, और ऐसे सती वाले बहुत सारे मंदिर होने लगे। मेरे एक दोस्त हैं जो हरियाणा है, जो हरियों का याणा है, जिसको आज के समय में कुरु प्रदेश या उस समय कुरु प्रदेश बोलते थे, अगर वहाँ एक सफीदो नाम की जगह है, उस सफीदो में वो सती के हर साल में अपने माता पिता की याद में वहाँ जाते हैं, उनके सती के वहाँ थूप बने हुए हैं, थूप का मतलब स्तूप बने हुए हैं, और वहाँ स्तूप पर जाकर अपनी माता पिता को याद करते हैं जो कभी सती के लेवल तक पहुँचे रहे होंगे। ऐसे सती के मंदिर जगह जगह बहुत सारे हैं, जहाँ बहुत सारे सती लोग, आदमी या औरत, बहुत ज़्यादा सती होके वहाँ सती में प्रस्थापित होके और स्थापित होके वहाँ पहुँचे हुए हैं, और उनकी स्तूप, उनकी याददाश्त वहाँ है। दरअसल
जो सती है, सती नाम इतना फेमस है कि सती के नाम से बहुत सारे नाम आज भी हैं, जैसे सती इद, यानी सतेंद्र जो बोलते हैं वो सती इद को सतेंद्र बोलते हैं, सती इंद्र इंद्र कर गया, या सतीजा, या सतवीर, यानी सती को बाद में सत किया तो सतवीर हो गया, या सतनाम हो गया, यानी सत और सती एक ही नाम है, तो सती से सतीश हो गया, जैसे सत ईस, ईस माने इसी, यानी कि इसी जो इसी होता है, इसी होता है, उसको इसी बोलते हैं पाली के अंदर, तो सतीश नाम हो गया, तो सतीश है या सतेंद्र है या सत्यवान है या सतीवान है या सतीमंतु है, ये सारे नाम सती के आज भी बड़े फेमस लिए लिए जाते हैं, सती पठान, सती मंतु, सती वोसग, सती संपई, सती संपई का मतलब है सती संपन्न, सती वोसग का मतलब है सती परित्याग या प्रमाद, सती संबोझंग, सती संबोझंग का मतलब है जो सती है उसके निज के बोझ के अंग, यानी कि जो बोध के अंग है उसको सती के अंग बोला जाता है, सती सम्मोस, तो ये सारे के सारे सती हैं, और सती को बाद में और भी ज्यादा प्रचारित प्रसारित किया गया, और सती की महिमा आज भी बहुत ज्यादा पूरे भारत के अंदर है, वो अलग बात है कि वो जो महिमा है वो किसी और नाम से प्रचारित है, मगर सती की महिमा आज भी है, ये सती वही है जो भगवान बुद्ध के समय में, सती जो पांचवा आता है जो अष्टांगिक मार्ग के अंदर, उस नाम को जाना जाता है, बहुत सारे नाम जैसे सतीजा, सतीमंतु, सतीवान, सतवान, सत्यवान, सतिया, सातिया, सतिंद्र, सतेंद्र, सतीपाल, सतपाल, सतीनाम, सतनाम, सतनामी, सतवाणी, सत्यवाणी, सतियत, सतत, सतीवीर, सतवीर, सतवीरा, सतिकाया, सतकाया, सतलोक, सत्ते, सत्तु, सत्ता, ये सारे सारे नाम सती और सत से बने और बाद में आते गए, बाद में सती और सत को लोग सत्य कहने लगे, जबकि सती से सत बना और सत से सच्चे, ऐसे करके सच में आने लगे, मगर ये उस समय के हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि जो सत्य है उसको बोलते हैं सच बोलते हैं, और जो सती है, जो सत है, उसका मीनिंग अलग तरह का होता है, इसलिए सत में और सच में जमीन आसमान का अंतर आता है। अगर आपको कहीं आसपास में कोई सती मंदिर या सती धाम या सती पूजा या सती माता का मंदिर या सती देवी या सती के नाम से कोई भी ऐसी जगह मिले जहाँ कोई थूप या स्तूप या कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है, कोई बॉडी बनी हुई है, तो आप बेखौफ होकर ये समझ लीजिए कि ये सती वही महिला या महीपुरुष हैं जो कभी सती पठान में ऊपर पारंगत हुए और जिन्होंने निर्वाण को, मोक्ष को या अमृत को या अमृत तत्व को प्राप्त किया और लोगों ने उनको माना और उनकी याददाश्त में वहां कुछ ना कुछ बनाया। ध्यान से देखेंगे तो सती के सारे जितनी भी जगह हैं वो पुरानी कहीं ना कहीं बुद्ध स्थल से जुड़ी हुई आपको मिलेंगे, या तो वहां कमल का फूल मिलेगा, यहाँ या हाथी मिलेगा, या बैल मिलेगा, या घोड़ा मिलेगा, या वहां आपको शेर मिलेगा, या वहां आपको कोई धम्मचक्र मिलेगा, या वहां कोई त्रिशूल का निशान मिलेगा, या वहां कोई आपको शंख मिलेगा, या कोई धम्मचक्र का कोई हिस्सा मिलेगा, 8 वाला तिली का होगा, या 24 का होगा, या 12 का होगा, या 32 का होगा, या 38 का होगा, कोई ना कोई धम्मचक्का वहां मिलेगा, या स्वास्थ्य का चिन्ह मिलेगा वहां पे, उल्टा बना हुआ मिलेगा, ये सारी चीजें वहां कहीं ना कहीं आपको पहचान में मिलेंगी। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको हर उस जगह जहां सती का कोई ना कोई चिन्ह है, आपको ये चिन्ह वहां मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि सती का सारा लिंक वहीं से आता है और सती वहीं से स्थापित हुआ है। ये है अष्टांगिक मार्ग का, अष्टांगिक मार्ग का पांचवा हिस्सा। अगला हिस्सा आता है समाधि। धन्यवाद। टीम 22 पर सभी वीडियो बुक कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने पोर्टल पर, अपने यूट्यूब पर, अपने फेसबुक पर या किसी भी जो भी ऐप है उस पर आप यहां से डाउनलोड कर टीम 22 से या फेसबुक से या मेरे पेज से कहीं से भी कोई भी वीडियो ले सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें अपने नाम का कुछ भी ऐड कर सकते हैं या अपनी कमेंट्री कर सकते हैं, उस वीडियो का कोई भी पार्ट आप ले सकते हैं, उसका प्रिंट मटेरियल भी बना सकते हैं, उसको किसी भी भाषा में आप बदल सकते हैं,
उसका ऑडियो चेंज कर सकते हैं, उसका वीडियो ले सकते हैं, आप जैसे भी चाहें टीम 22 की किसी भी वीडियो का या सारी वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमेशा कॉपीराइट फ्री थी और हमेशा कॉपीराइट फ्री रहेंगी। हमारा सिर्फ इतना काम होता है कि महापुरुषों की जो बातें हैं उन बातों को हम सरल भाषा में, आम भाषा में आप तक पहुंचा देते हैं। अब आगे आपका काम है कि आप अपनी भाषा में बदल के या ऐसा का ऐसा शेयर करके या इसको आगे भेजकर या इसका लिंक भेजकर या इसमें से कोई भाषा बदलकर या इसको प्रिंट कर या इसको लोड कर या डाउनलोड कर या इसको टीवी में बच्चों को दिखाकर या किसी को गिफ्ट कर जैसे भी चाहे वैसे इसको आगे पहुंचाएं। धम्म की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि धम्म दान, धम्म को देना, सभी देने में यानी जितना भी हम किसी को देते हैं, दान देते हैं, उनमें सबसे बड़ा माना जाता है। अगर आपको लगता है किसी वीडियो में कोई परेशानी है तो आप हमें लिख के भेज दीजिए, हम दूसरा वीडियो बनाकर आपको भेज देंगे। आप धम्म की सेवा में सहायक बने, धम्म आपको खूब लाभ लाभ देगा, धम्म आपको लाभ देगा, आप धम्म को लाभ देंगे, ये दोनों इंटरचेंज है, यही धम्म की प्राकृतिक नियम है। धन्यवाद। Single.